हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा प्यो टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे, ये भी हम किसी कोई आईपीओ आता है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं और हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी आईपीओ में हमें क्या क्या जो है वो चेक कर लेना चाहिए ताकि हमें जो है एक अच्छा लिस्टिंग गेन या यदि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना भी चाहें तो हमें इन फ्यूचर जो है एक अच्छा लाभ जो है कहीं गुणा जो है वो प्राप्त हो सके। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी आईपीओ आते हैं उसमें से लगभग जो है 40% आईपीओ ऐसे आते हैं कि जिनमें जो है ज़्यादा लिस्टिंग गेन प्राप्त नहीं होता है और 20% या 30% के आसपास तो ऐसे आईपीओ आते हैं जो लिस्टिंग गेन जिनमें मिलता ही नहीं है और वो जो है वो लॉस पे जो है वो लिस्ट होते हैं। तो इस तरह से जो है हमें क्या क्या जो है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है अपनाना चाहिए, आज हम की वीडियो में हमारा यही मेन टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें जो है क्या क्या चेक करना चाहिए। तो यदि मैं सबसे पहली बात तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। तो जो भी कंपनी है वो आईपीओ इसलिए लेके आती है कि जाहिर सी बात है उसको जो है वो फंड की जरूरत है, यानी कि उसको पैसे की जरूरत है, इसलिए कोई भी कंपनी जो है वो आईपीओ को लेके आती है। मान लिया किसी कंपनी को 500 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो कंपनी क्या करती है कि यदि वो 500 करोड़ रुपए की जरूरत को बैंक से लोन लेके पूरा करना चाहे तो उसको ब्याज देना पड़ेगा वहाँ पे। तो उससे बेहतर है कंपनी एक स्ट्रेटजी बनाती है कि वो क्या करेगी कि अपने कुछ शेयर जो है वो पब्लिक को बेच देगी और उससे जो 500 करोड़ रुपए या जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेगी और उससे क्या होगा कि कंपनी का जो कार्य है यानी कि कंपनी को जो जरूरत थी पैसों की वो भी पूरी हो जाएगी और वो बिना ब्याज के जो पैसा है वो कंपनी को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भी लेकिन क्या रहता है कि जो कंपनी है वो फ्री में तो किसी को शेयर अपने देने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी जो जितने भी ये जो कॉरपोरेट रहते हैं जितने भी कंपनी वाले रहते हैं ये ऐसे नहीं है कि आपको अपना शेयर जो है वो आसानी से दे दें। तो कहीं ना कहीं इनकी कोई भी कंपनी वाला है वो ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको जो है अपने कोई शेयर दे दे, यानी कि ये समझिए कि यदि आपके पास कोई अपना घर है और आप चाहें कि उसमें किसी की हिस्सेदारी हो जाए तो आप तो नहीं चाहेंगे ना आसानी से। तो इसलिए कोई भी कंपनी वाला जो है आसानी से जो है अपने शेयर किसी को नहीं देता है, यानी कि पब्लिक को नहीं देता है, उसकी अपनी उसकी लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी रहती है और वो भी जब आपको शेयर देता है तो भी कई गुना प्राइस पे देता है। तो वो हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं जो आईपीओ है वो कितने गुना प्राइस में हमें मिल रहा है, यानी कि कहीं हम बहुत ज़्यादा महंगा तो उसको नहीं खरीद रहे हैं। तो ये इस तरह की जो स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ेगी तभी हम जो एक अच्छा लाभ जो इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चेक करना चाहिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले वो है कंपनी का प्रोफाइल। तो सबसे पहले हमें क्या है कंपनी का प्रोफाइल चेक करना चाहिए कि कंपनी जो है क्या कार्य करती है, यानी कि कार्य से मतलब ये है कि कंपनी जो है वो सर्विस सेक्टर से जुड़ी है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। सर्विस सेक्टर से मतलब ये है कि जैसे LIC है, जोमैटो है, पेटीएम है या जितनी भी IT कंपनियां या ऑनलाइन जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, या जैसे हम अगर कहें तो जैसे कोई भी डॉक्टर है वो भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे इसका मेदांता का भी आईपीओ आता है। तो उस तरह की हमें चेक करना चाहिए कि वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है या मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है कि जैसे टाटा स्टील है, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। तो इस तरह से हमें जो है ये देख लेना चाहिए कि कंपनी जो है वो क्या प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, यानी कि सर्विस सेक्टर से जुड़ी है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और यदि वो कोई भी प्रोडक्ट जो बना रही है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करा रही है या मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, तो उसकी जो डिमांड है वो किस तरह लेवल की है, यानी कि हमें डिमांड जो है वो देखनी पड़ेगी कैसे कि उसकी जो डिमांड है वो डोमेस्टिकली है ओनली या इंटरनेशनली है। यानी कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो खाली इंडिया के अंदर ही बिकता है या किसी पर्टिकुलर रीजन में बिकता है, या फिर उसका जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी ग्लोबली जो है उसका बिजनेस जो है वो फैला हुआ। तो ये हमें जो है चेक करना पड़ेगा। जितना कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली भी बिकेगा यानी ग्लोबली बिकेगा, तो जाहिर सी बात है कंपनी की जो पहचान है, कंपनी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमें बहुत चेक करना जरूरी है। साथ में देखना जरूरी है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी डिमांड जो है वो यूनिक लेवल की है कि उसके कंपटीशन में बहुत सारी कंपनी जो है बनाते हैं। जैसे आप यदि बात करें कि कोई कंपनी जो है जैसे बिस्कुट का प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनी होती है, लेकिन कुछ कंपनियां जैसे कि केमिकल्स कंपनियां होती हैं तो उसमें जो है कुछ पर्टिकुलर 5-7-10-15 भी कंपनी होंगी कंपटीशन में। तो उस तरह का भी हमें चेक करना जरूरी है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी जो है कितना उसमें कंपटीशन है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, फिर हमें आगे जो चेक करना है वो हमें देखना पड़ेगा जो कंपनी जो है आईपीओ लेके आ रही है उसमें कंपनी जो फ्रेश इश्यू में कितना पैसा ले रही है और ऑफर फॉर सेल में कितना ले रही है, यानी कि फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कंपनी जितना ज़्यादा ऑफर फॉर सेल लेके आती है वो कंपनी जो है इसका मतलब है कि उसके जो प्रमोटर्स है वो अपनी शेयर होल्डिंग बेचना चाहते हैं और उसमें से जो है अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल के जो है वो साइड होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना जरूरी है कि फ्रेश इश्यू जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए ताकि जो कंपनी है वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सके और जो उसके ऊपर डेबिट है उसमें से हो सकता है कि जो फ्रेश इश्यू में कंपनी जो अमाउंट प्राप्त करेगी पैसा प्राप्त करेगी उसमें से कुछ जो है रीपेमेंट वो अपने डेबिट का कर दे, क्योंकि हर कंपनी के ऊपर जो है थोड़ा बहुत जो है वो कर्ज अवश्य होता है। तो ये भी हमें देखना जरूरी है कि कंपनी जो है फ्रेश इश्यू में जो पैसा है वो अच्छा खासा जो है यदि प्राप्त कर रही है और ऑफर्स फॉर सेल में कम प्राप्त कर रही है तो वो कंपनी जो है उतनी अच्छी रहेगी और हमें जो आने वाले समय में एक अच्छा लाभ होगा, क्योंकि कंपनी जो है स्टेबल होने वाली है, उसमें जो प्रमोटर्स है वो भागने वाले नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, ये हमें देख लेना चाहिए कि कंपनी के ऊपर जो है कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा डेब्ट तो नहीं है कि कंपनी जो है पता चला जो कंपनी ने पैसा प्राप्त किया वो सारा डेब्ट में चला जाए, कंपनी जो है आगे जो है अपना जो एक्सपेंड ना कर पाए अपने बिजनेस को। और उस तरह से देखें तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि डेब्ट जो है एक लिमिट तक ही होना अच्छा है, उससे ज़्यादा होगा तो हमें उस कंपनी के जो IPO में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि हम नेक्स्ट बात करें पाँच पॉइंट की बात करें तो हमें देखना चाहिए कि जो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है, कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग IPO से पहले कितनी है, यानी कि प्री शेयर होल्डिंग कितनी है और पोस्ट शेयर होल्डिंग कितनी है। यानी कि इससे मतलब यह है कि माल्या कंपनी की जो है प्री शेयर होल्डिंग 80% है, तो IPO के लिस्टिंग होने के बाद जो उसकी शेयर होल्डिंग है वो लगभग जो है 60% से कम ना होनी चाहिए। यानी कि अगर 60% से किसी भी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग रहती है, प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग रहती है, तो इसका मतलब है कि प्रमोटर जो है वो पब्लिक का पैसा फंसा के जो है वहाँ से निकलना चाहते हैं और अपना जो है कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनकी कोई और बड़ी प्लानिंग है और कंपनी का जो मैं जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनका पैसा जो है एक लंबे समय तक फंस सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो पोस्ट शेयर होल्डिंग है वो 60% से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रमोटर्स का जो है वो होल्डिंग होगी उतना ज़्यादा प्रमोटर जो है कंपनी को आगे लेके जाएंगे और कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल डाटा। यदि हम फाइनेंशियल से बात करें तो हमें जो है फाइनेंशियल डाटा भी चेक करना बहुत जरूरी है कि कंपनी ने पिछले 5-6 साल में कितना प्रॉफिट गेन किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना उसके बाद डेब्ट जो है बचा है, कितना उसने डेब्ट जो है वो चुकाया है। तो इस तरह से जो है फाइनेंशियल डाटा भी से भी जो है कंपनी की जो है काफ़ी हमें पता चल जाता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो कितना रहने वाला है और कंपनी ने पास्ट में कितना जो है ग्रोथ किया है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि कंपनी ने पास्ट में जो है वो कम ग्रोथ की है और फ्यूचर में नहीं ज़्यादा करेगी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो जो प्रमोटर्स हैं वो किस साइड में उसको ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में उसको ले जाना चाह रहे हैं और फ्रेश इशू से ले के वो जो है कितना पैसा जो है आगे कंपनी को एक्सपेंड करने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा रहे हैं, साथ में जो उस वो कितना इंटरेस्ट है उसमें दिखा रहे हैं ताकि कंपनी जो एक अच्छी ग्रोथ कर सके और जो इन्वेस्ट पे है उनको एक अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं GMP डाटा। GMP का जो प्राइस है, ये जो GMP का प्राइस है आप इस पे जो है मेरा ये मानना है कि इस पे कभी विश्वास ही मत करें, क्योंकि GMP का जो प्राइस है ना जब कंपनी की लिस्टिंग का समय आता है, कंपनी का जो IPO है वो ओपन होने वाला होता है या ओपन की तारीख जो है वो नज़दीक आती चली जाती हैं, तो इसका जो GMP का प्राइस है वो जो है काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। शुरू में स्टार्टिंग में जो है काफ़ी दिखाता है कि 50 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया, कुछ कंपनी का ऐसा दिखाता है, तो वो जो है वो उसमें काफ़ी वेरिएशन रहता है और जैसे ही कंपनी का जो है लिस्टिंग होती है तो पता चला वो माइनस में चला जाता है और वहाँ से जो है लिस्टिंग गेन की जगह लिस्टिंग लॉस हो जाता है। तो इस तरह से जो है GMP का प्राइस पे जो है ज़्यादा जो है उतना ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आप सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखें, फाइनेंशियल देखें, उसके बाद ही जो है GMP प्राइस तो जो है ये एक तरह से जो है आपको सिर्फ एक आइडिया देता है कि इतना लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन उसकी जो है कोई गारंटी नहीं रहती, वो 50-60% जो है वो उसमें टूट रहती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सातवें पॉइंट की, सातवें पॉइंट के लिए हम बात करें तो इसमें रहता है PE रेशियो। PE रेशियो से मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि जो कंपनी जो शेयर लेके आई है, IPO लेके आई है, वो जो है हमें कितने
गुणा पे हमें जो मिल रहा है, और साथ में जो इसकी कंपटीटर कंपनियां हैं उन्होंने कितने पे जो है वो लिस्टिंग हुई है, और ये कंपनी का जो आईपीओ है यानी कि जो शेयर है वो कितने पे हमें जो है मिल रहा है, यानी कि कितने गुणा पे। ये आज सपोज करिए कि किसी कंपनी ने जो है 27 रुपये में अपना जो है आईपीओ दिया, दूसरी कंपनी ने उसको 20 रुपये में दिया, तो इस तरह से ये जो है हमें 7 रुपये महंगा में जो है हमें कोई भी आईपीओ मिल रहा है। तो इस तरह से जो है उसका जो है ध्यान रखना जरूरी पीरियड का, जिससे जो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कहीं जो उसका प्राइस है वो ज़्यादा तो नहीं है और हमें जो है ज़्यादा महंगा जो है वो आईपीओ तो प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे कि हमें जो है लिस्टिंग गेन जो है वो कम प्राप्त होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आठवें पॉइंट की, हम बात करें आठवें पॉइंट है उसका प्राइज। प्राइस से मतलब ये है कि जो आईपीओ लेके आई है कंपनी उसका जो शेयर का प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है कि पता चला किसी का 100 रुपये है, किसी का 500 रुपये है, किसी का 600 रुपये है, किसी का 200 रुपये है, तो हमें ये देखना चेक करना जरूरी है कि उसका जो प्राइस है वो एक लिमिट तक ही ज़्यादा हो, तो ऐसा ना हो कि आज जो है उसका प्राइस हमने मान लिया 500 रुपये में कोई खरीद लिया और आगे जो है उसके रेट में जो उतनी ज़्यादा ग्रोथ ना हो। तो इसलिए जो हमें ये भी चेक करना जरूरी है कि कहीं जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा जो उसका प्राइस ना कंपनी लेकर आई हो, जिससे कि हमें जो इन फ्यूचर जो है कम ग्रोथ देखने को मिले और प्रॉफिट जो है वो हमारा उतना ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है किसी भी आईपीओ में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 8 पॉइंट को जो है अवश्य याद रखिए, उनको चेक करें, जिससे कि आपको जो है यदि किसी भी आईपीओ में आप जो है अपना पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपको जो है लिस्टिंग गेन अवश्य प्राप्त होगा, और साथ में आप जो है ये सावधानी रखेंगे तो आपको जो है लॉस होने के चांस जो है वो 95% जो है वो कम हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि आप जो है गलत किसी आईपीओ में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और आपको जो है लॉस हो सके। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप ये जो मैंने 8 पॉइंट बताए इनको अवश्य ध्यान रखें और या किसी भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे कि जो है इन फ्यूचर जब भी कोई भी आईपीओ आए तो जो है आप उसमें जो है इनको नोट करके जो है रखें और उससे चेक कर लें कि हमें जो है क्या क्या चेक करना रहता है। क्योंकि हम जब भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो हो सकता है कि किसी भी आईपीओ के बारे में हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इसको मत खरीदो या इसको खरीदो, एक जो है एक लिमिट तक ही हम भी बता सकते हैं कि इसमें जो है ये चीज़ें हैं, और साथ में मैं बताता भी हूँ कि इसमें ये कमी है ये अच्छाई है। तो उस तरह से जो है आप उसमें उसी अनुसार जो है इन्वेस्टमेंट करें और अपनी भी जो है थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के रखें ताकि आपको जो है इन फ्यूचर जो है अच्छा लाभ हो सके। दोस्तों यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपकी कोई भी जो है वो विचार है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन अवश्य दें, जिससे कि मुझे जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।